ठीक है, एक किस के इंस्ट्रूमेंट है ये, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, क्या ये डीजल इंजन है ना। डीजल इंजन में क्या होता है, इनलेट से क्या आता है, फिर हवा एयर आता है ना। अच्छा, इसका पहले कंपोनेंट नाम बता देते हैं, इसका क्या कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज जो देखते हैं, ये चीज हम बताए हुए नहीं है, तो ये चीज आपको दिख रहा है, ये चीज आपका फ्लाई व्हील है, क्या है फ्लाई व्हील। ये जितना भी जो ऊर्जा यहाँ पर प्रोड्यूस करता है इंजन, उसको संग्रहित करता है, मतलब इकट्ठा करता है, और जब जरूरत होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, ठीक है। कनेक्टिंग रोड कौन बोला, दिखाओ तो, ये कनेक्टिंग रोड, ठीक। क्रैंक साहब, क्रैंक साहब ये वाला है, ये क्रैंक साहब, ये क्रैंक साहब, और ये बैलेंसिंग व्हील, ये बैलेंसिंग व्हील, ठीक है। क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड है, किसको, दो जन को किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एक पिस्टन को और क्रैंक साहब को, दो को जुड़े हुए है ना। तो कनेक्टिंग रोड क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट को और पिस्टन को दोनों को जोड़ता है। इसका काम क्या है, कनेक्टिंग रोड का, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कनेक्टिंग रोड, ठीक है। पिस्टन समझ गया, ये चीज सिलेंडर है, ये क्या है, पढ़ाए हुए हैं सिलेंडर। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, क्या है, कूलिंग वाटर, ठीक है, कूलिंग वाटर। इधर से इनलेट होगा, इनलेट इधर से, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, मतलब स्मोक निकलता है, ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये फिल्टर है, हवा को प्यूरिफाई करता है, उसके बाद भेजता है ना, नहीं तो फिर फिल्टर अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट गंदगी सब घुस जाएगा सिलेंडर में, सिलेंडर में एस्क्रेस आ गया तो फिर फिल्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए एयर को फिल्टर करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, और फिर उसके बाद सिलेंडर में भेजता है, किसके द्वारा जाता है, इंजेक्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें बल्ब दे दिया हुआ, देखो बल्ब ऊपर नीचे हो रहा होगा, कूलर बंद हो रहा है, ध्यान तो हो रहा ना, तो ये इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व, या स्प्रिंग वाल्व का स्प्रिंग दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है रोकर आर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रोकर आर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे, ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं इंजन हेड, क्या बोलते हैं, इंजन हेड, इंजन हेड मतलब, हेड मतलब क्या होता है, सिर, इंजन का सिर है ये, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पे इंजन ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसको, इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक, उसमें क्रैंकेस और नीचे सम, नीचे सम, सम में क्या रहता है, लुब्रिकेशन ऑयल, क्या रहता है, लुब्रिकेशन ऑयल। तो ये सब कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। अब इसमें स्ट्रोक बोला है तो स्ट्रोक भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पिस्टन ऊपर से लेकर जब नीचे आ रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर से मतलब टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है, टीडीसी से बीडीसी, अभी के कौन सा स्ट्रोक हुआ, सक्शन स्ट्रोक, ऐसा सक्शन स्ट्रोक क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया, एयर, क्या आया, एयर, ओनली एयर, सिर्फ हवा, हवा आएगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्या होगा, कंप्रेस, कैसे हो रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब पीडीसी से टीडीसी की तरफ आ रहा है, और एयर को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इसमें कंप्रेस मतलब दबाव दे रहा है, दबाव देने के कारण यहां पर जो रेड कलर का जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जल, ठीक है, फ्यूल आया, फ्यूल आया कॉन्टेक्ट में, मतलब बर्न, फ्यूल जल रहा है, दहन हो रहा है, कंबसन हो रहा है, फ्यूल का क्या हो रहा है, कंबसन, फ्यूल का जैसे कंबसन हो रहा है तो चारों ओर प्रेशर लगाएगा, सिलेंडर वाल्व में प्रेशर लगाएगा, तो क्या ये सिलेंडर वाल्व मूव करेगा, इधर नहीं, किसको मूव करेगा, पिस्टन, पिस्टन नीचे की ओर प्रेशर लगा जाएगा, नीचे की ओर ना, तो पिस्टन नीचे की ओर जा रहा है, तो ये इस दौरान को कौन सा स्ट्रोक हुआ, ये पिस्टन नीचे की ओर गया तो पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन के ऊपर गया तो कंप्रेशन, नीचे आया तो पावर स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक हो गया, अब यहाँ पूरा फ्यूल क्या हो गया, कंबसन पूरा जल के खत्म हो गया, अब यहाँ क्या बचा, धुआं, अब धुआं को निकालना होगा सिलेंडर से बाहर, तो इनलेट वाल्व बंद होगा, आउटलेट वाल्व खुलेगा, और पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा वापस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह ये होते रहता है,
सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, ठीक है, ये इससे काम करता है। ठीक है, तो आज का क्लास क्या प्रैक्टिस क्लास था। ठीक है, पहले थ्योरी क्लास पढ़ा दिए थे, उसके बाद हम लोग क्या स्मार्ट क्लास में गए, वहाँ पे वीडियो वीडियो देखे किस तरह काम करता है इंजन, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी लिखना है, क्या करना है प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा, उसमें इंजन के बारे में जो आज पढ़ाया हुआ। ठीक है, इसका कंप्यूटर नाम, इसका वर्किंग कैसे काम करता है, स्ट्रोक क्या है, इसका यूजेस क्या है, कहाँ पर उपयोग होता है, डीजल इंजन ही क्यों यूज करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में लिख के आएगा, समझ में आ रहा है। ठीक बेटी।